हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं करेले का भरता। तो करेले को अच्छे से कट कर लिया है, उसके बाद मतलब बीच से कट कर लिया है, सिर्फ कट्स लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, फिर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पर हम अभी डालेंगे करेले के बीज को, जो करेले के अंदर के जो दाने होते हैं उसको। उसके बाद साथ ही में यहाँ पे थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मिर्च ऐड करेंगे, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका ढक्कन लगा के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है बीच बीच में इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे। हमें इतना बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से जो है फ्राई हो जाए, और हल्दी और नमक डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इसका कड़वापन है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है बीच बीच में इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसका कड़वापन दूर हो सके, उसके लिए इसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद यहाँ पे ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच मिक्स मसाला और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है यहाँ पर, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे करेले को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे एक एक करके इसको निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से कढ़ाई गरम करेंगे और यहाँ पे डालेंगे जीरा पचफोरन। हमने ऑयल पहले से डाला था तो यहाँ पे जीरा पचफोरन ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज और टमाटर और मिर्च, साथ में सब कुछ ऐड कर लेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही में थोड़ा सा डालेंगे टमाटर और थोड़ा सा मिर्च, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे से ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉम्प्लीमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है जो हमने ग्राइंड किया था ना, प्याज टमाटर वगैरह, इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे इसको 5 से 10 मिनट के लिए। इन सभी चीज़ों को जब अच्छे से हम भून लेंगे तो हमें एक और चीज़ करना है। आप चाहे तो दो ट्रिक है यहाँ पे कि जैसे मसाले भून जाएंगे तो आप चाहे तो करेले को इसके अंदर डाल सकते हैं, और दूसरा है कि मसाला जब भून जाए तो इसको निकाल के करेले के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो चाहे तो वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से मसाले को जो है अच्छे से भून करके यहाँ पे निकाल लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर से तेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है मसाले को करेले के अंदर यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर जो है करेले के अंदर जो है मसाले को डाल लेंगे, और डाल के इसको एक एक करके तेल में डालते जाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो इन सभी को एक एक करके इसी तरीके से मसाले में भर के तेल के अंदर डालते जाएंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो बचे मसाले हैं उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो करेला है उसको अच्छे से जो करेला का भरता है इसको अच्छे से जो है थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए
सभी चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे। तो हम सीधा आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये कुछ रही हमारी सर्विंग, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।